हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ अपडेट्स में। दोस्तों, अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आईपीसी की धारा 323 क्या है, वो भी आसान भाषा में। तो देखो, आज के समय में हर किसी के साथ झगड़ा तो जरूर होता है, लेकिन ऐसी लड़ाई जिसमें बहुत कम चोट पहुंचती हो, यानी कि अगर आप किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाते हैं तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 323 लागू होती है। मान लीजिए आप अपने गांव में रहते हैं और आपके गांव के किसी लड़के से लड़ाई हो गई, लेकिन उस लड़ाई में आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ, यानी कि ज़्यादा आपको किसी भी तरह से घायल नहीं किया, तो वैसे में आप थाना जाएंगे और उसके ऊपर केस करेंगे, तो जो पुलिस वाला होगा वो आईपीसी की धारा 323 उस पर लागू करेगा और फिर उसे सज़ा मिलेगी इस सेक्शन के हिसाब से। अगर मैं आपको साफ शब्दों में कहूं तो ऐसे लड़ाई जिसमें जानबूझकर खुद से किसी को चोट पहुंचाना, यानी कि साधारण तरीके से मारपीट करना, झगड़ा करना, किसी की पिटाई करना, अगर ये सब मामला हो तो इस केस में आईपीसी की सेक्शन 323 अप्लाई होगी। तो शायद अब आपको और अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि आईपीसी की धारा 323 क्या कहती है। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें सज़ा किस तरह से होती है। आईपीसी की धारा 323 में क्या सज़ा होती है? दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि इस केस में सज़ा क्या होती है। तो देखो, जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है, उसे आईपीसी की धारा 323 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस व्यक्ति को 1 साल की सज़ा मिल सकती है। और साथ ही अगर 1 साल की सज़ा नहीं हुई तो उसको 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर 1 साल की सज़ा और साथ ही 1000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को ज़्यादा गंभीर चोट पहुंची है, तो ऐसे केस में आरोपी को 1 साल से ज़्यादा का कारावास हो सकता है या फिर दूसरी धारा लग सकती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। आईपीसी की धारा 323 में जमानत कैसे होगी? दोस्तों, ये एक गैर संघीय अपराध है, यानी कि इसमें जमानत मिल सकती है। मान लीजिए कि आपके ऊपर पीड़ित परिवार ने केस किया है, तो ऐसे में सबसे आसान तरीका है कि आप पीड़ित परिवार से समझौता करने की कोशिश करें। अगर ऐसा हो जाता है तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। जमानत में यानी कि आपको किसी भी तरह से ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं होगी और आपको बहुत आसान तरीके से जमानत मिल जाएगी। आपको दूसरी बात यह बता देते हैं कि अगर आप ये क्राइम करते हैं तो पुलिस आपको पहले आपको गिरफ्तारी के वारंट भेजेगा, इसके बाद ही गिरफ्तार करेगा। यानी कि ऐसे केस में आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और साथ ही इस अपराध की प्रकृति जमानती है, यानी कि आपको आसानी से जमानत मिल सकती है। खैर, जो भी हो, अगर आप ये क्राइम करते हैं तो पहले आप किसी अच्छे लॉयर से मिलें और उससे बेहतर तरीके से सलाह ले सकते हैं। खैर, जो भी हो, उम्मीद है आपको ये आईपीसी की धारा 323 क्या है इसकी पूरी जानकारी मिल गई होगी, और साथ ही साथ आईपीसी की धारा 323 क्या कहती है इसकी जानकारी भी मिल गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।